नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। मौसम में आए उतराव चढ़ाव को लेकर किसान परेशान हैं। धूल भरी आंधी और बारिश से पलवल जिले में कई गांव के किसानों की फसल जमीन में लेट गई है। किसान ने बताया कि खेती में गेहूं की फसल पक कर खड़ी हुई है, लेकिन आंधी तूफान व गर्ज के साथ बारिश होने से फसल को नुकसान हुआ है। खेमों में खड़ी गेहूं की फसल लेट गई है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। महिला देवी ने बताया कि गेहूं की फसल लेट गई है, जिससे पैदावार में गिरावट आ रही है। अभी तक कृषि विभाग का कोई भी अधिकारी खेतों में लेटी हुई फसल को देखने नहीं आया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। नुकसान जी, सारे गेहूं में मैज लग गई है, कथी काटने भारी हो रहे हैं। अभी तक तो ना आए, आप ही आए जी। नुकसान तो काफी है जी, हमें 20-1 हजार का नुकसान तो लगभग इसमें। फायदा तो जब जानेंगे, जब कुछ मिलेगा जी। तो मैं तो जो दुनिया को मिले वे भी ना मिले जो मोदी ने डाले, अभी तक ना पहुँचो जी। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।